तो मटर का निमोना बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप मटर, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें से 2 चार दाने अलग निकाल दूंगी, बाकी के मटर के दानों को मैं पीस लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से पीस लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे मटर को जो है पीस लिया, और मैंने दरदरा पीसा है इसको, और साथ ही मैंने कुछ मटर के दाने निकाल लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर का निमोना। तो मटर का निमोना बनाने के लिए हमें यहाँ पे सरसों का तेल लेना होगा, क्योंकि सरसों का तेल से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा तेल लिया, क्योंकि हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। तो चलिए आलू का कर लेते हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धो के काट के पोंछ लिया था, और अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। और इसको हमें फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर के अच्छे से गोल्डन कलर की लेयर ना आ जाए। गैस को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे क्या हो, आलू आपके जल्दी पक तो जाएंगे, सिक तो जाएंगे, ब्राउन कलर भी आ जाएगा, बट वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। या तो आप इसे लो गैस पे आप कर सकते हैं, या मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। सभी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम मटर को फ्राई करेंगे। इससे पहले हम फ्राई करें, ऑयल को हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा सा निकाल दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम निमोना बनाना। तो सबसे पहले मैं जो मटर का पेस्ट मैंने बनाया था, ये थोड़ा सा मैंने दरदरा ही इसे पीसा है, तो इसको हम पहले फ्राई करेंगे। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल इसका मॉइस्चर ना उठ जाए, बिल्कुल ये ड्राई ना हो जाए, तब तक हमें मटर को फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा। फ्राई करने से मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। और इसको भी आपको मीडियम फ्लेम पे ही रख के फ्राई करना है। और ये सब्जी में थोड़ा ज्यादा ही तेल यूज होता है, तो आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप चाहे तो जहाँ पे हमने आलू फ्राई किया, आप आलू फ्राई ना करके बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड आलू का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही यूनिक आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऑलरेडी गर्म है अभी, तो यहाँ पे मैंने जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, प्याज, लहसुन और सारे जो खड़े मसाले थे, अदरक, इन सबको मैंने साथ में पीस लिया है। तो अभी हम इनको डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी अपने रेगुलर मसाले। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च,
धनिया पाउडर, हम सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो एक मिनट तक थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे ताकि जो हल्दी का कलर है वो अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है वो जस्ट कलर के लिए ली है, ये स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा। इसके बाद मैं डालूंगी ये लाल टमाटर और हरी मिर्च की चटनी है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर और इसमें 3 हरी मिर्च मैंने डाली है, तो इसको मैंने पीस लिया है दरदरा, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। जैसे टमाटर पक चुके हैं अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लिए, और इसको हम मसाले को एक बार और मिक्स कर लेते हैं। तो सभी मसाले जो हैं हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि सभी मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, और जो हमारे टमाटर है वो नमक डालने के बाद और अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है, ये देखिए, और साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं एक बार मिक्स। और अब इसमें मैं आलू जो हमने फ्राई किए थे और मटर जिसको हमने अभी भुना था, इनको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने मटर निकाली थी साइड से उसको भी डाल देते हैं, मटर के दानों को भी, और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो इस तरीके से ये जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तो पानी आप अपनी ग्रेवी आपको कैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि मुझे जो ग्रेवी है वो उसकी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी ही निमोना की बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी इसकी नहीं अच्छी लगती। तो इस तरीके से मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया और इसको मैं ढक के रख देती हूँ जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो इसमें उबाल आ जाएगा तो ग्रेवी जो है हमारी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, और ये देखिए हमारा जो मटर का निमोना है वो मोस्टली बन चुका है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, और हम आलू को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आलू है वो अच्छे से पक चुका है कि नहीं। तो हमारा जो आलू है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, तो हमारा जो मटर का निमोना है बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला, आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा जो मटर का निमोना है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अगर मटर खा खा के परेशान हो चुके हैं तो मटर का निमोना आप एक बार ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, बहुत ही शानदार लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चपाती से खाएं, चाहे आप राइस से खाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।